हाय, आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं बार मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो क्या होता है, अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ बिहेव एज मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। सिमिलर लाइक अर्थ का भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। जैसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, अर्थ का भी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल जहाँ होगा, अर्थ अगर मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगा तो भी सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल रह जाएगा। ठीक है, अगर एज्यूम कर लो ये वाला अगर अर्थ हुआ, ठीक है, तो अर्थ का ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा ईस्ट। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंडिंग करके छोड़ देंगे, तो अज्यूम कर लो ये वाला है बार मैग्नेट का साउथ पोल, ये वाला है नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? कुछ देर बाद ये बार मैग्नेट घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ऊपर में चला जाएगा नॉर्थ, नीचे में आ जाएगा साउथ। तो नॉर्थ साउथ इधर घूमेगा, नॉर्थ इधर घूमेगा। ठीक है, सो इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द टिप एंड हु इज द पॉइंट इज जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। टिप अगर साउथ का अगर ये घूम जाएगा तो इसका बोलेंगे हम लोग जियोग्राफिक साउथ पोल या जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या है? सो देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन, देखो एक होता है एक रिपल्सिव फोर्स और एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स and another is attractive force. Okay? Repulsive force कब होगा? Assume कर लो ये एक bar magnet है और ये भी एक bar magnet है। ठीक है, ये वाला इसका bar magnet का north साउथ, ये वाला हो गया इसका नॉर्थ इसका साउथ। तो क्या होगा? इन दो पोल्स को देखो दे आर इन ऑपोजिट पोल्स। सो अगर ऑपोजिट पोल्स होगा तो क्या होगा? इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। सो ऑपोजिट हुआ तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो ऑपोजिट पोल्स और इसको बोल सकते हो अनलाइक पोल्स। ठीक है, अनलाइक पोल्स और ऑपोजिट पोल्स। सो अनलाइक पोल और ऑपोजिट पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक पोल क्या होगा? लाइक पोल रिपल्स ईच अदर। सो अज्यूम कर लो ये वाला अगर इधर साउथ होगा तो इधर भी अगर साउथ है तो सेम पोल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर नॉर्थ आ जाएगा, इसमें अगर नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स ही होगा। सो लाइक पोल और सेम पोल दे रिपल्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को इधर भेजेगा। इसको फोर्स ये इधर चला जाएगा, इधर फोर्स इधर चला जाएगा, लेकिन ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा।
ठीक है, अट्रैक्टिव मतलब दिस और रिपल्सिव मतलब दूर चला जाएगा। नेक्स्ट, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट को अगर हम लोग आइसोलेट पोल्स नहीं बना सकते, मतलब इस नॉर्थ पोल को यहाँ से भगा दिया और यहाँ से अगर साउथ पोल को भगा देंगे तो इस मैग्नेट का एक ही पोल रह जाएगा साउथ पोल और इस मैग्नेट का एक ही पोल रह जाएगा नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैग्नेट का मोनोपोल नहीं होता। तो देयर इज नो मोनोपोल, नो मोनोपोल मतलब मैग्नेट का एक सिंगल पोल नहीं हो सकता, वो हमेशा डाइपोल में रहेगा, मतलब दो पोल उसका रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फाइव। प्रॉपर्टी नंबर फाइव के अगर देखो, अगर मैग्नेट को अगर बीच में से तोड़ देंगे, एज्यूम कर लो ये एक बार मैग्नेट है, बड़ा सा एक बार मैग्नेट दे दिया, ठीक है, इसको हमने बीच में से तोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, तो इसको दे दिया यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर था साउथ। अब बीच में से अगर तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे दो और मैग्नेट बन जाएगा, ये वाला एक और ये वाला एक, तब क्या होगा, अगर तोड़ देंगे तो ये वाला, ये सोच सकते हो यहाँ पे सर, यहाँ पे तो नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ये जो बार मैग्नेट है ये मोनोपोल हो गया, ये भी बार मैग्नेट, ये भी मोनोपोल, क्योंकि इस बार मैग्नेट साउथ रहेगा और इस बार मैग्नेट नॉर्थ रहेगा, नहीं तब नहीं हो सकता। मैग्नेट का मैंने क्या बोला, नो मोनोपोल्स, मोनोपोल्स तो नहीं होगा उसका, डाइपोल्स हमेशा होगा। तो पोल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, फिर इसका ऑपोजिट यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर बीच में से इन दोनों पोजिशन का मैग्नेट को तोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो तब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मतलब छोटा होते जा रहा है। लेकिन देखो इसका पोल हमेशा डाइपोल है, सिंगल पोल तो नहीं है, मतलब मोनोपोल नहीं है। अब देखो सेम अलाइनमेंट में है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, देखो पीछे जब बड़ा मैग्नेट था बार मैग्नेट उसको तोड़ेंगे, उसका भी नॉर्थ साउथ जिस डायरेक्शन में है, तो छोटे जो मैग्नेट बना है उसका भी नॉर्थ साउथ सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन एक चीज होगा, इसका पावर घट जाएगा, इसका पावर क्या होगा, ये अगर वन पावर रहेगा तो इसका वन फोर्थ हो जाएगा, मतलब पावर घटते जाएगा, लेकिन पोल का डायरेक्शन और अलाइनमेंट सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन मोनोपोल तो नहीं होगा, वो फिक्स्ड है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक फील्ड लाइन्स रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाता, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हेरिंग दे दो, ठीक, फील्ड लाइन्स, कैसे, अगर यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, नहीं एक बार मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, अगर इसके साइड में बहुत सारा आयरन डस्ट रख देंगे, इधर बहुत सारा आयरन डस्ट है, ले लो ये वाला बहुत आयरन डस्ट का हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसके साइड में बहुत सारा आयरन डस्ट तो फेंक देंगे, तो आयरन डस्ट ऐसे हैपजर्डली नहीं रहेगा, तो क्या होगा, एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, कैसे अलाइनमेंट, कुछ ऐसे अलाइनमेंट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ अलाइनमेंट हो जाएगा इसका, तो मतलब क्या पता चला इससे, इससे पता चलेगा कि मैग्नेट का भी एक फील्ड लाइन्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिक का भी एक फील्ड लाइन्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो मैग्नेट का भी एक फील्ड लाइन्स होगा जिसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। वो कहां से स्टार्ट होगा, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल में एंड होगा, मतलब आयरन डस्ट ऐसे अगर अलाइनमेंट आ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे एंड होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता था और नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे एंड, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग एक बार मैग्नेट, एक सॉलिनॉइड और एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन तीनों का फील्ड लाइंस बनाएंगे। ठीक है, आप देखो मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा बार मैग्नेट का, सॉलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, लेकिन जब दो चार्ज लेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। ठीक है, अब तीनों स्ट्रक्चर हम लोग पहले डिजाइन करते हैं। देखो पहले हम लोग ले लेते हैं एक बार मैग्नेट, कुछ ऐसा दिखेगा बार मैग्नेट। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं एक सॉलिनॉइड, एक सॉलिनॉइड ले लेते हैं यहाँ पे, वो ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के ऐसे निकल, और यहाँ पे दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखो फील्ड लाइन कैसे बनेगा, तो यहाँ अगर नॉर्थ दे देंगे, इधर अगर साउथ होगा तो कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल और इजी है, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे एंड होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसा डायरेक्शन रहेगा, मतलब साउथ पे आके एंड हो जाएगा। अब ये सॉलिनॉइड है, यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से निकल गया, तो इसका बी कैसे दिखेगा, इसका बी कुछ ऐसे घूमेगा नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा इसका फील्ड। तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर भी आ जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आ गया। अब देखो चार्ज में इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है तो बाहर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, एंटर होगा। ठीक है, मतलब यहां से निकल के यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है ना, अभी अब देखो ये वाला जो ग्रीन कलर का जो लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ग्रीन कलर का जो लाइन है ग्रीन का, उसे बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे बनेगा, एक बार मैग्नेट में बन सकता है, और कहां बन सकता है, एक सॉलिनॉइड में बन सकता है, लेकिन चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, इसलिए इसको अलग से कलर से डिजाइन किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वो हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सॉलिनॉइड फ्रॉम ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप। तो देखो ये वाला ग्रीन कलर का जो लाइन है ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ये घूमते घूमते यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर घूमते घूमते यहाँ पे एंड होगा। अगर ये वाला एक्चुअली ग्रीन कलर का जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से छोटा छोटा करके यहाँ से घूमते 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 ऐसे एंड होगा, यहाँ पर भी घूमते 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 ऐसे एंड होगा। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, फिर से यहाँ से घुसेगा। ओके, तो पहला वाला रूल क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट, एक पॉइंट में एंड स्टार्ट होगा, दूसरे एक पॉइंट में एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट, अज्यूम कर लो यहां पे एक पॉइंट,
तो इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा वो होगा इस पॉइंट का बी का डिरेक्शन। बी तो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका डिरेक्शन कौन से पॉइंट से डिफाइन करेंगे हम लोग? कोई भी एक पॉइंट ले, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा इसका बी का डिरेक्शन। सॉरी, ये वाला इधर आएगा, इस पॉइंट में ले लो बी एंटर होगा, ऊपर में देखो बी क्या होगा, इस पॉइंट में बी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट में बी क्या होगा, इधर आएगा, इस पॉइंट में भी बी इधर आएगा। सो टेंजेंट ऑफ ए फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डिरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो नंबर टू पॉइंट्स क्या है? The tangent of field lines at a given point represent the direction of net magnetic field, represent the direction of field at that point. Okay. Third, our next point, magnetic field lines cut nahi kar sakta. So they do not cross each other. So बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे डोंट ओवरलैप, दे डोंट ओवरलैप। क्यों ओवरलैप क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ये पॉइंट देखो, अगर एज्यूम कर लो यहां पे अगर क्रॉस हो जाए तो क्या होगा, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आ जाएगा। दो टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे जो बी का वैल्यू वो दो डिरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेट्यूड एक पॉइंट पे अगर दो, एक मैग्नेटिक फील्ड का दो डिरेक्शन नहीं हो सकता, तो उस पॉइंट पे एक ही होना चाहिए, एक जो कटिंग पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे बी का एक ही डिरेक्शन होगा, दो डिरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से डू नॉट क्रॉस ईच अदर और ओवरलैप ईच अदर। ओके, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो सकता, पता चल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है। सो पढ़ लेना थ्योरी, अगर यहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कहां पर डाउट हुआ है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कैसे लगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।